अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? बहुत अच्छे पाशा, अभी इसे थोड़ा भरना होगा। हेनरी, जल्दी जल्दी। हेनरी, ये क्या है, इतना बड़ा गड्ढा? हाँ, और मैंने इसे फटाफट खोदा है। वेरी गुड हेनरी, बहुत अच्छे। हेनरी, इतने जल्दी ये गड्ढा कैसे खोद सकता है? और ये क्या है, अजीब सा निशान। और ये क्या है? इसे मैं अपने लैब में ले जाकर ध्यान से देखूंगा। सीआईडीपी केस सॉल्व करने के लिए तैयार है। ओ बेचारा पाशा, अकेला होगा वहाँ। काश मैं कुछ कर सकता। हाँ, आइडिया। ये तो इंसान का बाल बिल्कुल नहीं है, और ये हेनरी का बाल भी नहीं है। आहा, जैसे मैंने सोचा था, ये तो एक जानवर का बाल है। धीरे धीरे, कैसे हो पाशा? ये लो, मेरा एक बिस्किट खाओ। और ये देख पाशा, इसे तू साथ लेकर सोना। मिस्टर गिल मेरा फेवरेट है, ये तेरे साथ रहेगा। गुड नाइट पाशा। तुम कहाँ गए थे हेनरी? चल पीछे से हट जा कीड़े। मेरी नजर से बच नहीं सकते। हट, बड़ा आया नजर रखने वाला। मैं पता लगा कर रहूंगा। बस देखते जाओ हेनरी, मैं पता लगा कर रहूंगा। कुछ ज्यादा ही जल्दी में हो हेनरी। क्यों तुम मेरे पीछे पड़ा है कीड़े, कुछ और काम नहीं है क्या? तुम कुछ छुपा रहे हो, और वो चीज यहाँ है। पाशा तुम कहाँ हो? आहा, कौन है ये पाशा? क्या किया है तूने उसके साथ? मेरे दोस्त पाशा कहाँ छुपा है तू? अगर तुम मुझे बोल सकते हो कि तुम किसे ढूंढ रहे हो, तो मैं शायद से तुम्हारी मदद करूँगा। खो गया एक छोटा डॉगी, ढूंढने पर एक बड़ा इनाम मिलेगा। क्या इनाम? एक खोया हुआ डॉगी। क्या तुम इससे ढूंढ रहे हो हेनरी? वो मेरा दोस्त है। पर ये तुम्हारा नहीं है, मैं भी मॉम को बताऊंगा हेनरी। हाँ। सुन मेरी बात लल्लू, अगर तुम मुझे मदद करेगा उसे ढूंढने में, तो मैं उसे नाम में से कुछ दूंगा। आधा। आधे का क्या करेगा लल्लू? एक नया परियों की कॉमिक्स का सेट लूंगा, मुझे परियां बहुत पसंद है हेनरी। ठीक है कीड़े, मेरी हेल्प कर और ले जा पैसे। ठीक है। ओ! पाशा, तू यहाँ है पाशा? पाशा मेरे दोस्त, अभी तुझे घर जाना पड़ेगा। मैं भी तुझे मिस करूंगा। चल तुझे यहाँ से निकालते हैं। हेनरी, रैल्फ आया है, मैं क्या करूँ? उसे यहाँ से भगा दे। गुड मॉर्निंग राल्फ। हाय पीटर, हेनरी है क्या? हेनरी नहीं है। तुम्हारी मॉम ने कहा कि वो यहीं पे है। ये आवाज सुनी? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दिया। सुना? कोई तो मुझे बुला रहा है। अरे ये तो सिर्फ एक डॉगी भौंक रहा है। ठीक है, बाद में मिलते हैं। बच गए इस बार। चल पाशा, मम्मी तुझे देखे, इससे पहले तुझे बाहर निकालना है। रेडी, चलो चलो, मम्मी ना देख ले। हेनरी, पीटर। हाँ मॉम। हेनरी, वो तुम्हारे साथ कौन है? ओह हेलो राल्फ, मुझे लगा तुम घर चले गए। It's so easy being me, I'm Henry.
क्रॉस क्लास जीरो में शांति कहाँ है? हाँ, बिल्कुल नहीं है। तो क्या मैं कुछ और देख सकता हूँ? कुछ एजुकेशनल, जैसे गो फॉर योर ग्रीन्स। वैसे मैं एक दिन एक आर्टिकल पढ़ रही थी जिसमें लिखा था तुम्हारे लिए टीवी देखना इतना बुरा भी नहीं है। ठीक है, 247 नंबर चैनल लगा लो। थैंक्स कीड़े। जब हम धनिये के बारे में सोचते हैं, तो केवल धनिये के बारे में नहीं सोचते हैं, हम मिर्ची, अदरक और कड़ी पत्ते के बारे में भी सोचते हैं। वाह, क्या शो है। अगली बार से ऐसा नहीं करने दूंगा। हेनरी, ठीक है मैं कम आवाज में सुनूंगा। हेनरी, तुम्हारा पैर मेरी तरफ है। तेरा मतलब क्या है तेरी तरफ? तुम इस सोफे पर मेरी साइड पर आ गए हो। नहीं नहीं आया, मैं अभी अपनी साइड पे हूँ। और अगर तुमने बटर और हनी का सही कॉम्बिनेशन यूज किया, तो खाने में मजा आने से। क्या हुआ राजा बेटा? राजा बेटा, हेनरी सोफे पर मेरी तरफ आ जाता है। हेनरी, हेनरी। सॉरी मॉम, मैं सोच रहा था मटर और हनी को मिक्स करके क्या बनता है। क्या कहा? मॉम, सॉरी पीटर। इस कपड़े को बीच में रखकर सोफा आधा आधा बांट देते हैं, ठीक है? और अब तुम दोनों को अपनी अपनी साइड्स पता है। ओह, थैंक्स मॉम। तो मेरी सलाह ये है कि इतना मत खाना जिसे मुश्किल हो जाए पचाना। हेनरी। ओह हाँ, थैंक्स मॉम। फ्लफी। हेनरी, ये तेरी बिल्ली है। ये मेरी बिल्ली नहीं है। है। नहीं है। है। हेनरी, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। हेनरी, बस मजाक कर रहा था। हेनरी, कर दी कीड़े। कौन सी लाइन? और मुझे कीड़ा मत बुलाओ। यहाँ है लाइन और तूने उसे क्रॉस कर दी। ये लो, अब ठीक है? हाँ, आगे से लाइन क्रॉस मत करना। ओह, ठीक है हेनरी, तो तुम मुझसे पंगा लेना चाहते हो? गुड मॉर्निंग। जागने का टाइम हो गया है, तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हेनरी। गुड मॉर्निंग कीड़े। इतनी भी जल्दी नहीं हेनरी, तुम बाथरूम में मेरी साइड पर खड़े हो। तो फिर मैं टॉयलेट कैसे जाऊंगा? ओह, फिर तो तुम नहीं जा पाओगे। तेरा मतलब क्या है नहीं जा पाऊंगा? वो क्या है ना, ये मेरी तरफ है तो तुम नहीं जा पाओगे। पर मेरा टूथब्रश तेरी साइड पर है। ओह हाँ, ये भी यहाँ है। पर क्या हेनरी? पर मैं अपना टूथब्रश कैसे लूंगा? तो एक काम करो, इसे 3 बार लिख कर दो। किसको दूँ? एसोसिएट जनरल को, जो मैं हूँ, फिर इसे ग्रैंड मास्टर जनरल को दूंगा, वो भी मैं हूँ, और वो तुम्हारी रिक्वेस्ट चेक करेंगे। और उसको कितना टाइम लगेगा? 3 दिन। 3 दिन? और अगर टॉयलेट जाना हुआ तो? मजाक कर रहे हो है ना? बच्चे ना ही देखे तो अच्छा है। क्या मैं घर रह सकता हूँ? आज मेरी तबीयत। हाँ क्यों नहीं हेनरी, कोई बात नहीं। यस। क्या आज आपको काम पर नहीं जाना? नहीं, आज नहीं जाना, मेरी आज शाम को एक मीटिंग है। ओह अच्छा, कूल। अब नाश्ता।
नाश्ते का वक्त हो गया है। नाश्ता करोगे फैंग? ठीक है, शुक्रिया, मैं पुरानी लेकर आता हूँ। पुरानी क्या डैड? तुम यहाँ क्या कर रहे हो हेनरी? आपने कहा था मैं घर रुक सकता हूँ। मैंने कहा था? हाँ, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है तो अपने कमरे में जाओ। लेकिन मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तुम्हें आराम करना चाहिए हेनरी। लेकिन मुझे भूख लगी है, आप दरवाजा खोलेंगे? हाँ, बस अपनी मॉम से मत कहना। नहीं कहूँगा। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? किस तरफ रखना है ये? मुझे माफ कीजिए, मैं कुछ समझा नहीं, क्या कहा? इस तरफ? क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? माफ कीजिए, मैं अभी कुछ समझा नहीं, मैं वो इस तरफ ले आइए। वही है जो मैं सोच रहा हूँ। हमने एक नया टीवी खरीदा, यकीन नहीं होता डैड ने ये किया। आज मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन है। नहीं, रहने दो, डिलीवरी बॉय ने कहा है कि इसको लगाना बहुत ही आसान है। हाँ, वो हमेशा वही कहते हैं। शुक्रिया हेनरी। वैसे जरूरत पड़ी तो बुला लेना। ठीक है। नहीं बुलाएंगे, वो हमेशा सोचते वो खुद कर लेंगे, जब तक नहीं कर पाते। ये कॉबल गास्टर्स बहुत अच्छे हैं फैंग। अब तक टीवी की आवाज नहीं आई, चल फैंग जाके देखते हैं। अभी हेल्प नहीं चाहिए डैड? नहीं शुक्रिया हेनरी, मैं कर लूंगा। अब हेल्प चाहिए डैड? लेकिन ये काम मुश्किल ही कितना है। बहुत मुश्किल है अगर आपको चाइनीज पढ़नी नहीं आती हो। ओह, ये वाली जापनीज है, ये फ्रेंच है, स्पैनिश है और पोलिश। मुझे इनमें से एक भी भाषा नहीं आती, अब मैं क्या करूँगा? ये काम मुझ पर छोड़ दो। क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? टीवी को बॉक्स में से निकाल दीजिए। हाँ, इतना तो कर ही सकता हूँ। ओ, ओ, शुक्रिया। वाव, ये तो बहुत बड़ा टीवी है। बहुत ही बड़ा है। सॉरी डैड। ये एक टाइटैनिक टीवी है। क्या तुम्हारी मॉम को समझ में आएगा? वैसे उसको पता चला तो मेरी शामत आ जाएगी। नहीं, मॉम को नहीं पता चलेगा, मॉम को पता चल जाएगा। हाँ, उसको पता चलने वाला है। पर इसमें ग्रोस क्लास जीरो के 100 चैनल्स है। हाँ पता है, इसीलिए तो खरीदा है। कूल। लौटाने के बारे में सोच रहा हूँ। नहीं, मेरा मतलब आप वापस क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि ये तुम्हारी मॉम को पसंद नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन पहले इसे सेटअप करते हैं, फिर सोचेंगे क्या करना है। हाँ ठीक है। तुम्हें जो चाहिए मिल गया फैंग। ये काम तो चूहा भी कर लेगा। आप जाकर अपने लिए चाय क्यों नहीं बना लेते? मैं बहुत बड़ा लूजर हूँ। नहीं आप नहीं हो, आप चाय अच्छे बना लेते हो। हाँ हाँ, वो तो मैं हूँ। क्या तुम्हें यकीन है तुम ये काम कर लोगे? मतलब इतनी सारी केबल्स के बीच शायद मुझे हम तुम कर लेंगे, आप चाहिए। पेरेंट्स हाँ, इनको कौन समझा पाए? मैं इस बॉक्स को रिसाइकलिंग के लिए बाहर ले जाता हूँ, बस ध्यान रखना मॉम को ना पता चले। शुरू करें। तुम्हारा ध्यान कहाँ है हेनरी? सब जा सकते हैं सिवाय हेनरी के। अब मैंने क्या कर दिया? तुमने कुछ नहीं किया हेनरी, पर अब तुम्हें करना होगा। मिस्टर सॉगिंगटन से मेरा एक सवाल पूछना होगा। आप खुद क्यों नहीं पूछ लेती? नहीं हेनरी, तुम पूछो। ठीक है, फिर सवाल क्या है?
सवाल ये है कि मैं क्या पहनूं? आप क्या पहनेंगी? वो सब समझ जाएंगे। अब जाओ हेनरी। जी, ये क्या है? राजमा। हेलो हेनरी, मेरे लिए कोई मैसेज लाए हो क्या? हाँ, मिस बैटलएक्स पूछ रही थी कि वो क्या पहन कर आए। मिस बैटलएक्स ऐसे क्यों पूछ रही थी? तुमने ठीक से सुना ना? उन्होंने तो यही कहा था सर। ओह, जंपसूट। उनसे कहना कि जंपसूट पहन कर आए। क्या जंपसूट? हाँ, मैं तो हमेशा वही पहनता हूँ जिम कबर्ड साफ करते समय। उनसे कहना शाम को मिलते हैं। क्या कहा उन्होंने हेनरी? किसने? उन्होंने मतलब मिस्टर सॉगिंगटन ने, उन्होंने बताया कि मुझे क्या पहनना है। हाँ, जंपसूट कहा। जंपसूट? ओह, ठीक है, जंपसूट पहन लूंगी। मिस सुनिए। यस हेनरी। उन्होंने कहा आपसे वहाँ मिलेंगे। कहाँ? मुझे नहीं पता, जिम कबर्ड के वहाँ। जिम कबर्ड के वहाँ? ओह, उस नए रेस्टोरेंट का नाम होगा शायद। क्या बात है। मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ गड़बड़ जरूर है। हेनरी, तुमने मेरा मैसेज मिस्टर सॉगिंगटन तक पहुंचाया ना? हाँ मिस। और उन्होंने क्या कहा? कहा कि उन्हें जिम कबर्ड पर मिले और उनके घर के पास कोई नया रेस्टोरेंट खुला है, और हाँ कि जंपसूट पहन कर आना। जंपसूट? बड़ी अजीब बात है। ये चक्कर क्या है हेनरी? पता नहीं यार, मिस ऑडबर्ट ने कहा सर से कहो कि उन्हें स्कूल के बाद मिले, पर अब सब उल्टा पुल्टा हो गया यार। रेस्टोरेंट और जिम कबर्ड और जंपसूट और मिस बैटलएक्स। मुझे तो सब ठीक लग रहा है यार। अच्छा अच्छा, तो कौन बताएगा 8x7 कितना होता है हेनरी? 57। वैसे तो जवाब होना चाहिए 56, पर 57 भी ठीक है, सिर्फ एक ही नंबर का तो फर्क है। वाह, क्या बात है हेनरी। अच्छा चलो, ग्राउंड के 5 चक्कर लगाओ। लड़कियों चलो जल्दी जल्दी, तुम लड़के मेरे साथ फुटबॉल खेलना चाहोगे? हेनरी, मैं सोच रहा था कि मत सोचो। एक बार मेरी बात तो सुनो, मिस बैटलएक्स और अपने सर सच में कुछ ज्यादा ही अजीब बिहेव कर रहे हैं। बात तो सही है, हमसे कुछ ज्यादा ही अच्छे बन रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, ज्यादा ही अजीब है ना, और शायद मैं जानता हूँ क्यों अजीब है। क्यों? वो मिस बैटलएक्स सोचती है कि रेस्टोरेंट वाला मैसेज उनके लिए था। हाँ? पर असल में मिस ऑडबॉट के लिए था, है ना? हाँ? और मिस ऑडबॉट सोचती हैं कि जिम कबर्ड की सफाई वाला मैसेज उनके लिए था, है ना? हाँ? पर वो तो असल में मिस बैटलएक्स के लिए था। हाँ? ओ, अब समझा। एक्चुअली नहीं, तुम क्या बकवास कर रहे हो राइफ? बकवास ही सही हेनरी, पर तुम्हारी खैर नहीं होगी जब सॉगिंगटन सर को पता चलेगा कि मिस बैटलएक्स उन्हें नए रेस्टोरेंट में मिलेगी, जब वो सोचते हैं कि वो जिम कबर्ड साफ करने में उनकी मदद करने वाली है। आगे मेरे शोना मोना। हाँ। बाहर खेलने जा रहे हो क्या? हाँ। और अच्छी बात है बेटा। क्या बात है फ्लफी बफी, क्या बिजली से डर लग रहा है? शायद आज बारिश होगी। मुझे देर हो गई बारिश की वजह से। ओ, क्या ये फैंसी ड्रेस है? हाँ? मैं जादूगर मैरी हूँ। सच में? वैसे मुझे तुम्हारा ये ड्रेस पसंद आया। क्या तुम हमें जादू दिखाने आए हो पीटर? तुम्हें क्या लगता है? ऐसा क्यों? मुझे थोड़ा बहुत जादू अच्छा लगता है। मुझे पता नहीं, मुझे जादू अच्छा लगता है या नहीं, कैसे बताऊं? ये गाजर का जादू है, अभी तुम्हें दिख रही है, अब नहीं दिखेगी। मुझे नहीं लगता वो इस तरह की जादू की बात कर रहा है। तुम कुछ कह रहे थे हेनरी? मैं क्या कह रहा था?
तुम पीटर से कोई डरावनी बात कहने वाले थे। सच में? मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ था। मेरे पास आकर बैठो पीटर। चलो तुम ओल्ड बुगी ब्रेन को लूटने में हमारी मदद कर सकते हो। बिस्किट खाओगे पीटर? क्या मैं एक बार देखूं? हाँ क्यों नहीं, लेकिन ध्यान रखना ये बहुत ही खास जादुई छड़ी है। कुछ नहीं होगा, मैं जादू की छड़ी इस्तेमाल करना जानता हूँ। सभी जादू की छड़ियाँ खास होती हैं। मेरे डैड जादूगर थे। लेकिन तुमने कहा था कि वो म्यूजिशियन थे। म्यूजिशियन हो या म्यूजिशियन, सब एक जैसे होते हैं। क्या हाल चाल है प्यारे दोस्तों, तुम लोग कैसे हो? बहुत अच्छे हैं, शुक्रिया मिस्टर सॉगिंगटन। ये अच्छा था मिस्टर राल्फ। हे, अंदर चलने से पहले एक छोटा सा गेम हो जाए। चलो फिर चलते हैं, पर जल्दी मिलेंगे। हेनरी अंदर आ जाओ, हम बस तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हाँ तो बच्चों, हम किस बारे में बात कर रहे थे? प्लीज मिस, हम बात कर रहे थे कि लड़कियाँ लड़कों से बेटर होती है या नहीं। अरे हाँ, इसी बारे में। और क्या हम किसी नतीजे पर पहुँचे थे? हम इस नतीजे पर पहुँचे कि शायद कुछ चीजों में लड़के अच्छे होते हैं और कुछ में लड़कियाँ। मार्गरेट, मुझे खुशी हुई कि तुमने अपना हाथ ऊपर उठाया, पर देखते हैं हेनरी का क्या कहना है। जरूर मिस बैटलैक्स। बट तुम्हारा क्या कहना है? वैसे अगर मुझे कुछ कहना होगा तो मैं कहूँगा कि जो डिपेंड करता है उस पर कि आप हर चीज को किस तरह से देखते हो। सही कहा ना? बहुत अच्छे बर्ड। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ तुमने एकदम ठीक कहा। आप लोग क्या सोचते हो? तुमने बिंदास बात कही है, अब मुझे बहुत पसंद आई और मैं फिर से सुनना चाहूँगी। देखा, सबको अच्छा लगा। मिस बैटलैक्स, मैं तो बुद्धू हूँ, मैं दरअसल बर्ड की बातों में थोड़ी सी डूब गई थी। बहुत उम्दा बर्ड, तुमने इस बारे में बहुत गहराई से सोचा है। लो, लंच टाइम हो गया। चलो अब सब जाओ, खाना अच्छे से खाना और जल्दी लौट कर मत आना। मैं सच में तुम्हारी बात सुनना चाहूंगी हेनरी। टेंशन मत लो मार्गरेट, मुझे जो कहना है उसके लिए बहुत वक्त है। हेनरी, काफी वक्त है। उसके पीछे टाइम खराब करके कोई फायदा नहीं मार्गरेट, वो मेरा है। हेनरी, सुना तुमने? हाँ मैंने सुना। तुम दोनों जल्दी करो, अगर हमने लंच जल्दी कर लिया तो हमें एक गेम खेलने का मौका मिल जाएगा।